हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वहां से देख लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये आपको फिगर दी हुई है। इस फिगर में आपको ये है आपका टावर, ठीक है। टावर से यहाँ पर किसी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद इसी टावर के अपोजिट साइड एक कैनाल है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी पॉइंट पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उस पॉइंट से इसकी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टावर की हाइट और साथ में ये जो सी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। तो बच्चों, ये हमारा डायग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया तो आप इजीली बना सकते हो। ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हमने ले लिया सी। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट, यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल है, एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल मीन्स आपका यहाँ से इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है और इस टावर की हाइट पता करनी है। तो जैसे कि हम पहले करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास, ए बी एंड डी। तो फर्स्ट हम कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे जो हम इजीली से निकाल सके, हम ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो ट्रायंगल ट्रायंगल यहाँ से लेंगे हम ए बी सी, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, एक हम ये ले लेते हैं, ये हमारी क्या हो गई हाइट, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया बेस। तो हमारा क्या हो गया एच अपॉन बी। एच अपॉन बी आपको पता है कि किस में होता है, टेन 60 डिग्री में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच और बी, ठीक है। तो H हमारे पास क्या है, हम इसको लिख लेते हैं पहले ए बी अपॉन में क्या हो गया हमारा बी सी, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता लग गया होगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, H। तो हमने वहाँ पर क्या लिख दिया, H। और बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हम क्या लिख देते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू बी सी की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी अंडर रूट 3, ठीक है। और अब अगर सिर्फ बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इसको निकाला है, अब अगली ट्राइंगल हम कौन सी ले लेंगे, ए बी और डी। और ए बी डी ट्राइंगल से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ए बी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में ए बी एंड डी, ए बी डी में फिर से हम क्या ले लेंगे, हाइट और साथ में क्या ले लेंगे, बेस। इट मीन्स कौन सी हो गया वो, 10, ठीक है। तो 10, अब यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, एच है, तो हम उसको एच लिख देंगे और 30 की वैल्यू रख देंगे। 10 30 की वैल्यू क्या होती है,
टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमारे पास एच ए और बी डी हमारे पास ऐसे ही हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास √3 के एच में हो जाएगी और बी डी के 1 में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू एच √3। अब देखो बच्चों, ये जो बी डी है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये बी और ये क्या है, डी। ठीक है, अब ये बी डी में से अगर हमें टोटल करना, हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या डी सी प्लस सी बी, इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देते हैं इसको यहाँ पर, बी डी को हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, इसका मतलब भी क्या हो गया, बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू एच √3। अब यहाँ पर जो बी सी है, देखो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली है ना, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को फिल कर देंगे, यहाँ पर हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम बी सी की वैल्यू फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी की जगह हम लिख देंगे एच अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एच अपॉन √3। ठीक है, अब सी डी हमारे पास क्या है, सी डी हमारे पास यहाँ पर है ना, सी डी कितना है हमारे पास, सी डी हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 20 इज इक्वल टू एच √3। ठीक है, तो अब एच वाली वैल्यूज़ को हम एक साथ कर लेंगे और 20 को अलग कर देंगे, तो 20 हम यहीं रहने देते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है एच √3, और ये जो था प्लस में था वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस एच अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है ना कॉमन, क्या दिख रहा है, एच कॉमन दिख रहा है, तो एच कॉमन कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास, √3 माइनस, यहाँ से एच कॉमन निकल चुका है, क्या बच गया, 1 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कैसे, 20 ऐसे ही लिखेंगे, एच ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, √3। यहाँ पर 1 है, 1 को हम √3 से डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, माइनस √3, √3 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये 20 इज इक्वल टू एच, 2 में से 1 अगर माइनस, सॉरी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या होगा, ये h के पास है, h की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 अपॉन √3 है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 20 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये आप रहने दो, h है यहाँ पर लिख लो 20, और ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, h इज इक्वल टू आ गया 10 इज एच इज इक्वल टू आ गया आपका 10 √3। तो ये आ गई आपकी एच की वैल्यू कितनी, 10 √3। ठीक है, अभी हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू पता करनी है ना बी सी की, क्योंकि हमें दो चीज़ पता करनी थी, एक तो हाइट पता करनी थी, और हमें क्या पता करना था, यहाँ पर ये बेस पता करना था। तो हाइट तो हमें पता लग गई एच √3, अब हम बेस पता कर लेते हैं। ठीक है, अब बेस पता करने के लिए हमने क्या करना होगा, ये हमारा बेस ये पता करना है ना, यहाँ पर ये बी सी, ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एच अपॉन √3। तो अब यहाँ पर लिख देंगे पहले बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन √3। ठीक है, तो एच की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाला हमने, 10 √3, तो यहाँ पर एच की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 √3 अपॉन हमारे पास क्या है, √3, √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया है, 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 10 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको आंसर लिख देंगे, आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका, सबसे पहले हमारे पास हाइट फाइंड आउट करनी थी हमने, तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, हाइट हमने h ली थी, ठीक है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, 10 √3 मीटर। ठीक है, दूसरा हमने क्या पता करा था, विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है, वो क्या था हमारा, विड्थ ऑफ कैनाल क्या थी हमारी, बी सी। ठीक है,
तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।